अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ असद और आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार है और स्पेशली बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी पसंदीदा है और पिज़्ज़ा हर कोई बहुत शौक से खाता है। और आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा की रेसिपी नहीं है बल्कि हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सैंडविचेस। और उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए पिज़्ज़ा की डो, और पिज़्ज़ा की डो कई दफ़ा आपको सिखाई हुई है, लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप लोग उसको देख सकें। उसके बाद हमें चाहिए हरी प्याज तकरीबन 1 से 2 अदद, 1 अदद शिमला मिर्च यूज़ करेंगे और उबले हुए मटर हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1/2 कप के करीब। चिकन श्रेड हमें चाहिए और ये चिकन तंदूरी चिकन या फिर आप जो है तंदूरी चिकन के अलावा टिक्का चिकन भी आप ले सकते हैं। होता यह है कि जब समटाइम हम टिक्का बनाते हैं या तंदूरी बनाते हैं तो कुछ चिकन बच जाती है, तो उसी की आज उसी को मैं आज यूज़ कर रहा हूँ और उसको मैंने श्रेड कर लिया। तंदूरी चिकन और चिकन टिक्का के जो है रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं रेसिपीज़ वीडियोज़ में जाके। अच्छा जी, यहाँ पर हमने हरी प्याज को चॉप करना है और हरी प्याज का वाइट एरिया और ग्रीन एरिया दोनों को चॉप करके अब मैं एक बाउल में डाल रहा हूँ। और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, हम लेंगे शिमला मिर्च। 1 अदद शिमला मिर्च को पहले हमने क्या करना है, स्लाइस करना है। अच्छा, शिमला मिर्च आपकी चॉइस है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रीन ज़रा ज़्यादा मिलती है तो हम ग्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप चाहें तो कोई कलरफुल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर फ़्लेवर की बात करें तो सबसे अच्छा जो फ़्लेवर है वो ग्रीन कैप्सिकम का ही होता है और पिज़्ज़ा वगैरह में ज़रा अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप कर लिया और इसको हरी प्याज के साथ मिक्स करके रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस के लिए मैं ले रहा हूँ 1/2 कप मेयोनीज़, ठीक है। 1/2 कप हमने लिया मेयोनीज़ और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब केचप, और उसके साथ ही ओरिगैनो डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच के जितना। और इन तीनों चीज़ों को बस हम मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि ये जो सैंडविचेस हैं इसमें जो हम यूज़ कर रहे हैं तंदूरी चिकन का श्रेड, तो वो जो है आप कहें कि उसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं इसको सॉस थोड़ी सी सिंपल रखी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने डो जो गून के रखी हुई थी वो आप देख रहे हैं फूल गई है, राइस हो गई है, अब इसको हम निकालेंगे। अच्छा, इसके लिए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ, आप ले लेंगे जैसे 3 कप मैदा और उसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट डाल दीजिए, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी डालिए, 2 खाने के चम्मच आप इसमें ऑयल के डालें, ठीक है। और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करें पानी के साथ गून के, और इसको बस इतना ऐसा गून लें कि ये आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद कवर करके 2 घंटे के लिए आप ऐसी जगह पर रख दें जहाँ इसको हवा ना लगे, और फिर जब आप निकालेंगे तो देखेंगे कि ये फूल चुका होगा। ईस्ट आपकी चॉइस है, अगर इंस्टेंट ईस्ट डालनी है तो आप वो डायरेक्ट डाल लीजिए, और अगर आपके पास दानेदार ईस्ट है तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आप इसको दानेदार ईस्ट को हम हमेशा नीम गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रखते हैं ताकि वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद अब यहाँ पर हमने रोल करना है, ठीक है, सैंडविच की रोटी, और बिल्कुल ये पिज़्ज़ा डो है, ठीक है। पिज़्ज़ा डो को अब हमने इस तरह से रोल करना है, और आपकी चॉइस है, साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप इसको बड़ा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको पलट लूँगा, ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद फिर अब मैं इसको अगेन थोड़ा सा शेप दूँगा, राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद जो है इसको हमने फिर अगेन एक सैंडविच की शेप देनी है। तो अब थिकनेस इसकी कितनी होनी चाहिए, तकरीबन 1/2 इंच इसका जो आपने डो बेलना है रोटी, वो तकरीबन 1/2 इंच मोटी होनी चाहिए, ठीक है जी। 1/2 इंच तक की आपने इसको मोटी रखनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इस पर जिसमें भी हमने बेक करना है उस डिश में मैंने ये मैदा थोड़ा सा छिड़क लिया है, और अब बारी है इसको शिफ्ट करने की अपने प्लेट पर। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इसको रोलर पे इसको इस तरह से रोल कीजिए और अपनी डिश में रख के और इसको खोल दीजिए, ये देखिए, तो बहुत इजीली आपकी रोटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब सॉस जो है 1/2 रोटी पर हम अच्छे से ज़्यादा सॉस डालेंगे और 1/2 रोटी पे बस थोड़ी सी सॉस को फैला देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमने 1/2 सैंडविच हम करेंगे इसको लाइक 1/2 मून, तो इस तरह से आपने इसको करना है, ये देखें 1/2
एरिया पे मैंने ज़रा ज़्यादा सॉस रखी है और हाफ पे फिर हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से करके, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से पूरी डो पे हमने जो है सॉस लगा ली है। और अब जहाँ पर हमने सॉस की क्वांटिटी ज़्यादा लगाई है, लाइक हाफ जो हमने सॉस ज़्यादा लगाई, उस तरफ हम ये चिकन शर्ट, तंदूरी चिकन के शर्ट डाल देंगे। तंदूरी चिकन बनाना बहुत आसान है, आप प्रीवियस मेरी वीडियोस में देखेंगे आपको मिल जाएगी, बहुत आसान है। इसके चंक्स भी आप बना सकते हैं और बोनलेस के साथ भी आप बना सकते हैं। तो ये अब मैंने इसके ऊपर सारे के सारे इस तरह से शर्ट, चिकन शर्ट डाल दिया है। और इसके बाद अब मैं डाल रहा हूँ उबले हुए मटर, ठीक है। उबले हुए मटर डाल देंगे, उसके साथ जो शिमला मिर्च और हरी प्याज काट के रखी थी अच्छे से उसको मिक्स कर लें ताकि शिमला मिर्च और हरी प्याज मिक्स हो जाएं, और फिर आप इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आप चाहें तो खाली प्याज, नॉर्मल प्याज जो है उसको स्लाइस में काट के वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मटर और हरी प्याज के साथ इसका कॉम्बिनेशन शिमला मिर्च के साथ बड़ा अच्छा मज़ेदार बनता है। अब ये देखिए, हाफ को मैंने इसके ऊपर इस तरह से टर्न कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आप कह लें कि सैंडविच जो है वो हो जाएगा तैयार। अब इसकी साइड्स जो हैं थोड़ी सी हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कर दीजिए ताकि ये लॉक हो जाएं। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर आप कह लें कि कलर देने के लिए इस पर हम एग वॉश करेंगे, यानी कि अंडे को फेंट के और फिर अंडा जो है वो इसके ऊपर पूरे पर लगा देंगे ताकि जब हम इसको बेक करेंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं लगाना चाहें तो आप नहीं भी लगाएं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे लोग जो अंडा नहीं खाते तो वो आप बेशक इसके ऊपर अंडे की कोटिंग ना करें, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तो यहाँ पर इसमें अंडे की कोटिंग जो है वो अच्छे से कर रहा हूँ ताकि इसका कलर ज़रा सा अच्छा सा आ जाए, एक जैसा आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमने इसको बेक होने के लिए रखना है, और बेक होने के लिए हमने टेम्परेचर जो है वो देना है तकरीबन 200 सेंटीग्रेड। और उसके बाद जो है मार्क, अगर आप मार्क वाला ओवन है तो फिर आप इसको रखेंगे मार्क तकरीबन 4 और 5 के दरमियान में। अच्छा, इसके ऊपर अब अंडा लगाने के बाद मैंने ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दिया है, ठीक है। ओरिगैनो डालने के बाद अब ये हमारे पास बिल्कुल तैयार है ओवन में जाने के लिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं ओवन की जाने। फोटाइल के ओवन में आपने इसको रखना है और इसको बस झटपट तैयार हो जाएगा। तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आपका लेगा और तैयार होके बाहर आ जाएगा। तो चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास बेक हो गया आ गया, और अब इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये देखिए, ज़बरदस्त से हमारे पास कटिंग हो गई, और देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट बना है, ज़बरदस्त बना है। नीचे से हल्का सा क्रंची और ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल आप कह लें सॉर्ट ऑफ पिज़्ज़ा की डो है। तो जाहिर सी बात है फ्लेवर में भी आपको पिज़्ज़ा की तरह का ही मिलेगा। और जनाब, यहाँ पर हमारे पास आज के सैंडविच हो गए तैयार। तो अब आपने तंदूरी चिकन जब आपकी बच जाए या टिक्का बच जाए तो आपने उसको श्रेड करके सेव कर लेना है, और इस तरह से ये सैंडविच की फिलिंग के साथ आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए।